हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सब। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चेंसो मैन के बारे में। ये एक बहुत कमाल की मांगा है जिसका एनिमे अडैप्टेशन होने वाला है। इस एनिमे को एनिमेट करेगा मापा स्टूडियो। मापा स्टूडियो ने इस साल कितने कमाल के एनिमे एनिमेट किए हैं, लाइक गॉड ऑफ हाई स्कूल, जुजुत्सु काइसन, ड्रैगन टाइटन का लास्ट सीजन और भी काफी ग्रेट एनिमे। फाइट सीन में मापा ने कमाल का काम किया है और मैं इस एनिमे पे वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी बहुत कमाल की है और इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात है इस एनिमे की वो है इसका मेन कैरेक्टर, क्योंकि जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो बहुत ज्यादा बैडस कैरेक्टर बन जाता है। तो चलो यार मैं आपको इसका प्लॉट भी बता देता हूं। तो ये एक ऐसे वर्ल्ड की बात है जहां पे बन होते हैं ह्यूमंस के फियर से, जो कि मुझे थोड़ा जुजुत्सु काइसन से सिमिलर लगा, और वो उन ह्यूमंस को मारते हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन ह्यूमंस डेविल के साथ एक डील यानी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है डेंजी, जिसके फादर ने एक याकुजा नाम के एक पर्सन से डेप्ट लिया था, पर वो उसको चुकाने से पहले ही मर गए। अब डेंजी एक 16 साल का लड़का है जिसके पास कोई वे नहीं है वो डेप्ट वापस करने का। डेंजी के पास एक डेविल डॉग भी है जिसका नाम है पोचिता, जिसके फेस पर एक चेनसो है। डेंजी अब याकुजा के लिए डेविल्स को मारने का काम करता है। उसने अपना सब कुछ बेच दिया होता है, यहाँ तक कि वो अपने बॉडी ऑर्गन्स भी बेच देता है, पर स्टिल वो पैसे वापस नहीं कर पाता है। तो एक दिन याकुजा डेंजी को कहीं लेके जाता है ताकि डेविल डेंजी को मार सके और वो कुछ पैसे कमा सके, और वहाँ पे डेविल्स जो है डेंजी को मार भी देते हैं। पर पोचिता एक डेविल डॉग था, और जैसा मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस डेविल के साथ एक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जब डेंजी और पोचिता पहली बार मिले तो उन्होंने जो है एक डील कर ली थी। वो क्या डील थी ये जो आप मांगा के चैप्टर 1 में ही पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोचिता डेंजी की बॉडी में मर्ज हो जाता है, और इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा बैडास और बहुत ज्यादा कमाल की है। देन डेंजी सबको वहाँ मार देता है। मांगा के चैप्टर 1 के एंड में ऑफिशियल गवर्नमेंट से डेविल हंटर डेंजी को अपने अंडर काम करने या तो मरने ऑर्डर देती है। तो डेंजी ऑब्वियसली वहाँ पे जो है उसके काम करने के लिए मान जाता है, और माकिमा जो कि ऑब्वियसली डेविल हंटर है उसको जो है पसंद भी करने लगता है। अगर आप इस मांगा का जेनर देखोगे तो आपको वहाँ पे एक्शन वायलेंस देखने को मिलेगा, पर इसमें थोड़े बहुत फन रेफरेंस भी है। मैं मांगा ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, पर सच में इसकी मांगा पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। और अब जब ये एनिमे एनिमेट होगा तो ये जो है काफी पॉपुलर हो सकता है। तो आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बस यार आज के लिए बस इतना ही, मेरे भी एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं और बस थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना देता हूं। और आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर मार देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। ऐसे वीडियोस के लिए मिलते हैं आप सबने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सायोनारा, बाय बाय।